जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एक बार कमेंट बॉक्स में आवाज़ से बताएं और जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन देखिए जल्दी से जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण के बीच चौड़ाई कितनी की। हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी उत्तर से दक्षिण के बीच चौड़ाई कितनी है। पहला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 240 किलोमीटर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में लाल खड़िया मिट्टी या गाढ़े लाल रंग से आदिमकाल के मनुष्यों द्वारा बनाई गई रेखाकृतियां प्राप्त हुई हैं। फर्स्ट मिर्जापुर, मेरठ, कुशीनगर, इलाहाबाद। जल्दी से जल्दी बताइए, आदिमकाल के जो मनुष्य थे उन्होंने गाढ़े लाल रंग से रेखाकृतियाँ किस जिले में बनाई हैं। मिर्जापुर में बनाई है, मेरठ, कुशीनगर, इलाहाबाद। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर, यानी मिर्जापुर में आदिमकाल के मनुष्यों ने रेखाकृतियां बनाई थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली होकर उभरा और लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। काशी, मगध, कुरु, कौशल, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताइए। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताइए। कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली है, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बता दीजिए। काशी होगा, मगध होगा, कुरु या कौशल होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मगध, मगध इज राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताइएगा। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उत्तर प्रदेश के किस नगर पर अपना अधिकार किया था। आगरा, कुशीनगर, बस्ती, बाराबंकी, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। क्या होगा, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताइए। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, आगरा। यानी आगरा में पानीपत के युद्ध के समय बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उत्तर प्रदेश के नगर पर अधिकार किया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 15 जनवरी 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 11 जून 1932 को या 11 दिसंबर 1932 को, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, जल्दी से जल्दी बताइए। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, जल्दी से जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति को स्पष्ट करता है। जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए मेरे चीतों। ये अनुच्छेद 144 है, अनुच्छेद 149 है, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 157, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताइए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति को स्पष्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153, सी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता को किसके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अल्फा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता को किसके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताइए। तो अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, जल्दी से जल्दी सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री के द्वारा विरोधी दल के नेताओं को समकक्ष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जरूर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अल्फा, मदन मोहन वर्मा, बीटा, बनारसी दास, चार्ली राज, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, नफीकुल हसन, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बता दीजिए। जल्दी से बताइए, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर नंबर सी द राइट आंसर, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बता दीजिए मेरे चीतों। अगला क्वेश्चन है, बाबर क्षेत्र के समांतर संकीर्ण पट्टी के रूप में फैले समतल नम एवं दलदली मैदान को क्या कहा जाता है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र या दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र,
या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि बाबर क्षेत्र के समांतर संकीर्ण पट्टी के रूप में फैले समतल नम एवं दलदली मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी तराई क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाए? तराई क्षेत्र। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताइए। क्या है कि निम्न में से दक्षिण के पठारी भाग की विशेषता नहीं है, इसकी उत्तरी सीमा गंगा एवं यमुना नदी द्वारा निर्धारित है। चंबल, केन, बेतवा, सोन तथा टोंस इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में समतल भूमि वाला भाग ही कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। इस क्षेत्र के पठारों की औसत ऊंचाई 800 मीटर से अधिक है। तो इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी, इस क्षेत्र के पठारों की औसत ऊंचाई 800 मीटर से अधिक है। तो ये हुए आज के हमारे 10 क्वेश्चन। बहुत ही शानदार यहाँ पे बात कही गई है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। कितनी ही शानदार बात। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।